की समर्थन मूल्य पर खरीदी 20 मार्च से शुरू होना था, जिसमें से 7 लाख टन मैट्रिक गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, परंतु सहकारी समितियां द्वारा अभी तक खरीदी का कार्य शुरू नहीं किया गया है। भैरुंडा तहसील के 15 व रहटी तहसील के 3 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को लेकर नैफेड द्वारा पत्र लिखा गया है। अब भैरुंडा तहसील के मात्र 9 वेयर हाउस पर ही गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में जितने भी सोसाइटियाँ चिन्हित की गई हैं वहाँ आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करा दी गई हैं। प्रत्येक सोसाइटी प्रबंधक से 1-to-1 चर्चा कर ली गई है। JSO के द्वारा भी आज निरीक्षण किया गया है। उस निरीक्षण के उपरांत किसी सोसाइटी केंद्र पर हमाल की समस्या संज्ञान में आई है, चूँकि 25 तारीख को होली का भी त्यौहार है और इस समस्या को बिंदुवार रिजॉल्व करके और अवकाश के बाद ये कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ करा दिया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष सरकार के द्वारा 2,275 रुपए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपए बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में किसानों को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ ई उपार्जन केंद्र पर मिलेगा, जिसमें किसानों को गेहूं के बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग के माध्यम से तय दिनांक पर अपना उपार्जन बेच सकेंगे। लेकिन सरकारी खरीदी कब शुरू होगी, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भैरुंडा।